जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी तारक फरूक के हमरा। यहाँ NDMA की जानिब से जो वेंटिलेटर हैं उनके जो वार्ड है उसका जो ये मुआयना करने के लिए आए हैं, इनके हमरा MS जो हैं वो डॉक्टर महबूब साहब और राजा गुलाम रुबानी साहब मौजूद हैं। हाजी सर, इस जो कोरोना की वबा है इसके दौरान बिलाशुबा आपने और आपकी हुकूमत ने ज़िला भिंबर बशमूल पूरे आज़ाद कश्मीर में जहाँ ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानी हैं उनकी भी साथ मामलत से और उसके अलावा यहाँ पे आपने हुकूमत से बिलाशुबा में फैसिलिटेट किया, वामे इलाकों को फैसिलिटेट किया, तिब्बी सहूलतें थी वो उनको उनकी खातर खा कमी थी उनको आपने पूरा किया। तो अभी ये जो NDMA की जानिब से जो वेंटिलेटर जो वार्ड का इफ्तिताह किया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले हम NDMA वालों के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को अपनी लिस्ट में शामिल किया और फिर जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये आइसोलेशन वार्ड्स बनी हुई हैं वहाँ पे उन्होंने प्रेफर किया है। फिर ये है कि वेंटिलेटर्स बड़ी ज़रूरत थी और ये जितने हैं ये बिल्कुल नए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी है। फिर उसके अलावा जो ICU बेड्स हैं वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, इससे पहले ICU बेड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे। और जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उनको या हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनको रिक्वायरमेंट भिजवाई थी वो उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। तो इसके लिए जो भी अथॉरिटी NDMA की है, जितने लोग हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर इसी तरह सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसफर होकर चले गए उनकी बड़ी कोशिशें और काविशें शामिल हैं। तो भिमर के इलाके में चूँकि ये सरहदी इलाका है यहाँ पर आए रोज और भी मुश्किल हैं कोविड के अलावा भी, तो इससे मरीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट करने में डॉक्टर्स को उनके पैरामेडिक्स को बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा ये जो वार्ड्स बना रहे हैं यहाँ पे हार्ट के लिए भी अब हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ी जल्दी इंशाल्लाह यहाँ पे 50 बेड का जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग बननी जो है ऊपर शुरू हो जाएगी, इसमें गुंजाइश मौजूद है। इस दफ़ा हुकूमत ने वो नई स्कीम जो है उसका इजरा किया, अभी जिनकी OPD जो है उसको आप देखेंगे OPD जो है वो बेहतर हो रही है। कोविड के हवाले से भी इनकी खिदमात जो है जितने लोग हैं सबकी बड़ी फ्रंट लाइन पे जो काम करते रहे हैं बहुत बेहतर रही है। मैं खुद इसका मरीज़ रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह की मुश्किलात का होती हैं। तो जितना भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाए डॉक्टर साहिबान को, पैरामेडिक्स को, फिर इनसे मुंसलिक जितने लोग हैं, पिछले अरसे में एक मुश्किल पेश आई थी कि हमारे टेस्ट जल्दी नहीं आ रहे थे, अब बीपर में जो दुश्वारी थी वो भी दूर हो गई, अब रिजल्ट जो है वो तेज़ी के साथ आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आगाही मुहिम शुरू हुई है उसकी वजह से भी अभी कल जो है वो मुस्लिम हैंड्स वाले आए हुए थे उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारे ओवरसीज़ जो भाई हैं उन्होंने भी वेंटिलेटर फ्राहम करने के वजह से यहाँ पर काफ़ी काम किया। तो मैं तो मुश्किल हालात में एक अच्छा जो काम है उसको सराहा जाना चाहिए, उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान के हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस लिहाज से कि दो सारे पाकिस्तान के अजला में, चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है या पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे ये सहूलतें मौजूद नहीं हैं। और उसके बरक्स जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर उन्होंने ये सहूलतें फराहम की हैं, तो उनकी आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत और दिलचस्पी जो है उसका भी अंदाज़ा होता है और इस इलाके के साथ उनकी जो एक ख़ास मोहब्बत है उसका भी अंदाज़ा होता है। तो हम सारे हमारी हुकूमत राय फारूक अदर साहब, हमारी कैबिनेट सारी उनके बड़े इस वाले से गुजार हैं। अवाम अन्नास को भी मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसत से कि इसको ईजी ना लें कोविड को, ये जो कोरोना वायरस है और इसमें डॉक्टर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ये हमारा कौमी असासा है और इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जितने शहीद हुए हैं डॉक्टर उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करे, जो पैरामेडिक्स हैं उनके दर्जात बुलंद करे जो शहीद हुए हैं, लेकिन लोगों को ईजी नहीं लेना चाहिए, अब लोग ईजी ले रहे हैं इसकी वजह से हमें थोड़ी सारी परेशानी है। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ी ईद के बाद, ईद उज़ुहा के बाद जो है वो शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन उससे पहले हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और मीडिया का जो किरदार है इस हवाले से कि मीडिया ने बहुत कोशिश की है कि लोगों को आगाह किया जाए, मीडिया को और मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है।
क्योंकि एक दिन मीडिया कहता है जी कि लॉकडाउन करें, दूसरे दिन मीडिया कहता है लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। मीडिया वाले भी बीच में किसी न किसी जगह मुतासर हो रहे हैं अपने सर। देखिए ये ना कि सीनियर मिनिस्टर साहब, उसमें वफाक की जानिब से जो एहसास प्रोग्राम था वो ताजरान बरादरी के लिए और खुसूसन जो बेरोज़गार लोग हुए थे वो एक कहला कि इस मामले में रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। आपकी गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की लेकिन उस तरह के खातरखा नतज आज़ाद कश्मीर में नहीं आ सके जो माशी सूरत हाल से। मेरा इसमें नुकता नज़र है कि हेल्थ जो है वो बेसिकली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है फेडरेशन का, मरकजी हुकूमत का, सूबाई हुकूमतें जो है वो अपने बजट के अंदर रहते हुए उसको टैकल करती हैं। आप सिंध वालों ने क्या किया, बलोचिस्तान वालों ने क्या किया, के पी के वालों ने क्या किया और बलोचिस्तान वालों ने क्या किया, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पहले नंबर पर गिलगित है और दूसरे नंबर पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है कि उन्होंने कंपेरेटिवली बेहतर रिजल्ट दिए, आप इसको भी एक्नॉलेज करें। ये चूँकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फिर उसके बाद स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो ये नेशनल जो प्रोग्राम है उसके साथ ही हम आते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे फंड्स जो हैं उन्हीं के पास होते हैं। वो फंड्स अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मिल जाए तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ये काम करना था, वो फंड्स उन्होंने अपने पास रखे तो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस वजह से जो है कि वो सारे का सारा प्रोग्राम उनके अमाब एहसास प्रोग्राम जो है वो नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, सूबाई प्रोग्राम नहीं है। इसी तरह बैतरमाल का जो प्रोग्राम है वो भी नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, वो सूबाई सतह का प्रोग्राम नहीं है। तो वो उन्होंने ही करना था, इस बात को जो है वो मार्जिन आप लोगों को देना चाहिए कि जो जिसका काम है उसी को करना पड़ता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने आप सब की जो मशावरत के बाद फौरी लॉकडाउन आज़ाद कश्मीर में किया उसके खातर खास नतज निकले, लेकिन ओपीडी में जो ओपीडी हेल्थ एमरजेंसी में आपने बंद की उसके भी जो मसाइल हैं उस पर भी गौर करें। इस पर गौर करें नहीं, इसके बाद उसकी भी कई वजूहत हैं। ओपीडी से मुराद ये है कि जब ओपीडी आप खोल देंगे तो ये जितने डॉक्टर्स मुतासर हुए कोरोना वायरस से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इनमें से बेशतर आइसोलेशन वार्ड के अंदर मुतासर नहीं हुए, बल्कि वो जब बाय प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस वजह से हुए, ठीक है। तो इसके ऊपर असल में पढ़ना चाहिए असल वजूहत क्या है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं काफ़ी हद तक, वो इतनी लापरवाही नहीं बरतते, लेकिन जब बाहर आप जाते हैं तो ओपीडी से मराद है कि आपने जो मरीज़ है उसको बगैर देखे कि उसको कोरोना है या नहीं है उसकी ज़बान पे एतबार करते हुए आपने उसको देखना है और उसमें चांसेस जो हैं वो बीमारी के ज़्यादा हैं फैलने के। अब जो है हुकूमत इंशाल्लाह ईद उज़ुहा के बाद देख रही है कि अगर रिजल्ट्स बेहतर हुए और जो हमारा ग्राफ है इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने का वो दुनिया के मुकाबले में बेहतर हुआ तो हुकूमत लाजमी जो है वो नरमी देगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।